इस बार जो परिस्थितियां बनी है, हमने मजदूरों को बहुत करीब से देखा है। तो मजदूरों को समर्पित है पहली चार लाइनें कि कभी धागा बनाता हूँ कभी कपड़ा बनाता हूँ, कभी धागा बनाता हूँ कभी कपड़ा बनाता हूँ, मैं हूँ मजदूर जो घर के लिए ईंटें बनाता हूँ, लहू मेरा पसीना बन के माथे से टपकता है, मई की धूप में जब धूप से मैं रिश्ता बनाता हूँ, यही फुटपाथ है बिस्तर मेरा, मैं जिस पे सोता हूँ तुम्हारी राह के पत्थर को मैं तकिया बनाता हूँ, मैं मजदूर हूँ। बहुत तो ये बहुत 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 धन्यवाद, ये जो मजदूर हैं मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी लोग आने वाले समय में समझेंगे, जानेंगे इनकी समस्याओं को और इनको बिल्कुल हम उस जगह ले जाएंगे जहां जरूरी है, जो इनका हक है वो इनको दे पाएंगे। आज हमारे बीच हैं संजीव जी, जिनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। संजीव जी, आपका छोटा सा परिचय जो मेरे पास है वो मैं देना चाहूंगी पहले अपने सारे साथियों को। तो परिचय तो हमें छोटा सा नहीं कहूंगी पर छोटे से मैं देना है, क्योंकि आज हमारे पास समय ऐसा है कि हम चाहेंगे कि आपको सुने। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगी कि संजीव जी वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज न्यू दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके पहले इनके पास जो दायित्व रहे हैं उनमें से कुछ हैं डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड डायरेक्टर सार्क सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केरला स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन व्हिच वाज टर्न्ड अराउंड एंड प्रॉफिट बाय हिम विद इन 1.5 ईयर, एंड बिफोर दैट ही वाज इंस्पेक्टर जनरल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड रोड सेफ्टी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो संजीव जी पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में, एमबीए हैं आईआईएम बैंगलोर से कंबाइंड विद सीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी यूएसए से, एमटेक हैं आईआईटी कानपुर से। और अवार्ड्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडल आपको मिला है मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए 2016 में, डिस्टिंग्विश एलुमिनस सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड 2011 फ्रॉम आईआईटी कानपुर, यूनाइटेड नेशंस मेडल इन कोसोवो यूरोप इन 2001, एंड रिसीव्ड डिस्टिंग्विश एलुमिनाई अवार्ड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर इन 2019। तो संजीव जी आपको हमारे बीच पाकर हम बहुत खुश हैं और थैंक यू। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आप आज हमारे बीच में बात करेंगे कि जो रिटर्नी मजदूर हैं जो वापस अपने घर आ गए, जिनको हम प्रवासी कहते हैं, और आश्चर्य की बात है कि वो जहां से आते आए हैं वहीं जाके भी अब वो प्रवासी हो गए होंगे, क्योंकि न जाने कितने सालों से वो बाहर कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे। तो आज आप बात करने वाले हैं कि उन मजदूरों को जो जहां पहुंच गए हैं वहां पर क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्या रोजगार दिया जाना चाहिए और क्या सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो संजीव जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात शुरू करने के लिए। पहले आप अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हमारे जो सवाल जवाब है हम उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी, बाकी और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी जो एक लॉकडाउन कोरोना का जो इश्यूज में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का फिर आफ्टर इफेक्ट्स जो रिवर्स माइग्रेशन, एक तो हम पॉजिटिव माइग्रेशन देख रहे थे ज्योग्राफिकल मोबिलिटी में कि जहाँ पे काम का अवसर होता है कि इम्प्रूवमेंट लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जो एस्पिरेशन होते हैं माइग्रेशन होते हैं, कुछ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ लोग डिफरेंट अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ देयर ओन करियर एंड प्रोफेशन में होते हैं, कुछ लोग मजबूरी भी होते हैं बिकॉज बेस उनका जो बेस एरिया में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट और एनी एक्टिविटी के लिए, तो अर्बन एरिया में आ जाते हैं। दैट्स वन ऑफ दी बिकॉज वो वर्ल्ड ओवर माइग्रेशन का ही, हम लोग विदेश में जाते हैं तो सेम सिचुएशन गाँव वाले
अर्बन एरिया में आते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो तो सबका एक्सपीरियंस होता है। हम लोग भी माइग्रेंट हैं, क्योंकि मैं उड़ीसा का वासी हूँ, दिल्ली में आया हूँ, तो हम भी माइग्रेंट हूँ एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली कहता हूँ कि जो भले वो प्रवासी हैं लेकिन वो देशवासी हैं, तो इसलिए एवरी स्टेट हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट देम। और ये जो पक्षपात कहीं हो रहा होगा भी, वो मेरे तरफ से तो अनुचित नहीं, मतलब सही नहीं है, अनुचित ही है, क्योंकि वो कहीं मतलब जैसे स्टेटलेस की होमलेस टाइप सिचुएशन ना हो, क्योंकि उनका एमएसएमई में काफी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो लेबर फोर्स जितना प्रोडक्टिव है, क्योंकि काफी चीजें हमारा इंडियन का जो सेल्फ रिलायंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ कि फैक्ट्री का जो इम्प्रूवमेंट हुआ इन्हीं लेबर का माध्यम से हुआ, बिकॉज उस लेबर का नहीं होता तो शायद इकोनॉमी हमारा डेवलप नहीं हो पाता, दैट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड फैक्ट, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। तो और एक चीज है जो अभी रिवर्स माइग्रेशन एस्टिमेशन है कि ऑलमोस्ट 8 crore का जो मतलब लेबर है, माइग्रेंट लेबर है रूरल एरिया से, क्योंकि मैं पंचायत डील करता हूँ, तो मतलब एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन रफ एस्टिमेट तो ऑलमोस्ट 8 crore बता रहे हैं, और हो सकता है कुछ नहीं आ रहे होंगे वापस, क्योंकि कुछ कंफर्टेबल जो मिल गया है, जैसे एक्सपर्ट फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हाउसिंग कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड को काफी कम्फर्ट लेवल है, तो वापस नहीं आए बोल रहे हैं। और जो थोड़ा सा हाई लेवल स्किल, मतलब जो एकदम स्किल्ड है फैक्ट्री में की सिक्योरिटी काम कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्री का सिक्योरिटी इटसेल्फ इज इशू, तो वापस नहीं भेजा होगा। तो ये एक इशू डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स जो हैं, जो आइदर फैक्ट्री प्रेमिस में रहते थे कि अपना एक स्मॉल का स्लम का डेवलपमेंट था उसमें रहते थे, तो ये मोस्टली अनकेयर्ड हो गए। और मैं पर्सनली, क्योंकि मैं सूरत का जो टेक्सटाइल ओनर का काफी कांटेक्ट में था, तमिलनाडु कुछ ब्रिक क्लीन का वर्कर्स में कांटेक्ट में था, लुधियाना साइड में जो फैक्ट्री वर्कर में काफी टच में रहा था, तो मेन हो गया फूड का इशू आ गया, क्योंकि सब रेस्टोरेंट बंद हो गए और खाने पीने का वो कुछ लोग अपना मेस में चलाते थे। जैसा सूरत में स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सब क्रेडिट बेसिस में मेस से खाते थे जो टेक्सटाइल लेबर्स हैं, और उसमें उड़ीसा भी काफी थे, तो ये सब जब खाते थे तो मेस का क्रेडिट में देना बंद कर दिया, क्योंकि मेस वाला बोलता है मैं भी कैश से खरीदता हूँ राशन, और मैं आपको क्रेडिट में दूंगा तो मेरा कैसे धंधा चलेगा, तो कैश में दीजिए। तो उनका जो मंथली पेमेंट जब बंद हो गया, क्योंकि मिल मालिक पैसा देना बंद कर दिए, तो इशू हो गया उनके पास कैश नहीं रहा, तो कैश नहीं रहा तो फिर इशू होगी कि भाई ये पेमेंट कैसे करेंगे, और उसका अल्टीमेटली रिपरकशन हुआ कि खाने की नहीं मिला। और सरकार का उद्यम रहा कि खाने का, लेकिन सरकार का वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि सूरत का मैं क्लासिकल एग्जांपल, ये क्या करते, खिचड़ी देते थे जो गवर्नमेंट सपोर्टेड, तो खिचड़ी में ना अचार ना कुछ है, खाली दाल चावल का उबाल की खिचड़ी दी दिया, ना टेस्ट होता है, नमक वमक देते होंगे, तो डेली फिर खा के बोर हो गए, क्योंकि हम भी देखे होंगे लॉकडाउन में एक महीने रहे, हर दिन कुछ ना कुछ मेन्यू चेंज करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग खुद ही ये प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तो ऑब्वियसली इनका जो डेस्परेशन एकदम एक्सप्लोड हो गया, और बोले कि हम घर जाएंगे बेटर होगा, क्योंकि घर में जो भी होता है घर में बना के कुछ ना कुछ खा पी, जो भी अनाज होगा जो भी है, तो ये डेस्परेशन हो गया। सेकेंडली और एक खौफ हो गई, मेरा जो बिलीफ है इनका रह गया कि हम ये बाहर रहेंगे तो हमारा खतरा है, और एक खौफ हो गई, मतलब हम भी जब विदेश में जाते हैं, कभी विदेश में कुछ सिचुएशन हुआ, हम भी फंसे हैं कभी विदेश का, मिलने का कुछ इश्यूज हो गया, और अब लगता है कि वो कैसे उसको हैंडल करें। और जब खौफ हो जाती है आदमी, वो सिक्योर प्लेस को वापस आना चाहता है, और उनके लिए सिक्योर प्लेस था अपने गाँव, क्योंकि गाँव का जो कम्फर्ट लेवल, वॉट एवर द सोशल कैपिटल कहेंगे, सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे उनको कम्फर्ट लेवल लगा, तो बोले चलो भाई हम कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं है तो रोड में पैदल चलते हैं, कि कोई साइकिल में चल रहा है, कोई ट्रक में चल रहा है, ट्रैक्टर में चल रहा है, कोई इवन वो देखा कि छोटा सा कार्ड बना के अपना वी बच्चे को लेके ईवी में जैसे आ गया, वॉट एवर पॉसिबल चलते रहे। कुछ कुछ तो एकदम एग्जाम्पल्स आए कि वो लड़की सीधा बिहार पहुंच गई साइकिल में अपना, आई मीन ओल्ड एज पेरेंट को, तो ये काफी एक अलग से चैलेंज हुआ। लेकिन अभी गाँव पहुंचने के बाद डेफिनेटली एक इशू है कि एक तो फर्स्ट इन लोग दे हैव बीन कैरियर ऑफ द वायरस, क्योंकि काफी दिन वो अर्बन एरिया में रहे और एक करियर हो गया समाउ, मे बी समान अफेक्टेड, समान अफेक्टेड, कुछ सिम्टोमेटिक होगा, नॉन सिम्टोमेटिक होगा, जो सिम्टोमेटिक हो तो ट्रीटमेंट कर ही रहे, नॉन सिम्टोमेटिक का पता नहीं चलता है, टेम्परेचर और बाकी जो आउटवर्ड क्लिनिकल सिम्टम्स दिखते हैं, जो खांसी हुआ कुछ हुआ, हो सकता है जरूरी नहीं हो कि बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा कुछ लोगों का, तो इसके लिए वो करियर है, और काफी जगह इसलिए अपना इंडिया का प्रेजेंस बढ़ रहा है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि ये न्यूमेरिकली बहुत बड़ा लास्ट स्ट्रेंथ है और ये इशू आई है। और दूसरी मेरा, मैं भी सोचता हूँ क्योंकि ये रास्ते में आए हैं, तो ऑब्वियसली इनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहा, तो बॉडी इम्यूनिटी थोड़ा कम गया,
क्योंकि ऑब्वियसली एनी एक्सटर्नल इन्फेक्शन अटैक्स योर बॉडी व्हेन इम्यूनिटी गोज डाउन, क्योंकि उतना न्यूट्रिशन रास्ते में मिला नहीं होगा। और एक बड़ा समस्या हो गया, ये इंडेप्टेडनेस हो गया अभी, क्योंकि इनके पास कैश थे नहीं, कैश जितना थे वो खाने पीने में जितना खर्चा कर दिए, ये कि उधार लेके वापस अपना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट दिए। इवन ये तो ट्रेन में भी बता रहे हैं कि 700-800 रुपया देना पड़ा, जो भी टिकट को भी काफी वाइडली रिपोर्टेड हुआ है। इवन ट्रक में आए तो 4,000-5,000 रुपया पर हेड देके आया, जो भी व्हाट एवर। आई एम नॉट ब्लेमिंग द ट्रक ओनर क्यों दिया, बिकॉज उसका भी उसका वो अदर साइड भी उसको भी बोलता है मेरा भी फ्यूल एक्सपेंस है, मेरा भी अपना कोई स्पेयर का रिपेयर है, कुछ रास्ते में जरूरत है, कुछ इधर उधर उसका भी खर्चे तो आते ही हैं। ऑब्वियसली ही विल आल्सो चार्ज, बिकॉज वो भी तो ऐसे ही बंदा है जो अपने डेली इनकम में जी रहा है, ट्रक वाला जो ड्राइवर है कि ओनर है, जो भी वॉट एवर। मैन आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट कि ये चार्जेस कितना है, क्योंकि दिस आर ऑल सिचुएशन इन अ वेरी डिफरेंट वे। और जो वापस आए, अभी मेन इशू उनका आ रहा है कि हाउ टू रियली जो हार्नेस देयर पोटेंशियल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दे आर ऑल मे बी डिफरेंट जॉब्स में है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंट्री के वेल्डिंग कोई करता है, कोई मेसन है, कोई इवन बार्बर भी होंगे, कुछ कुछ बार्बर भी होंगे हो सकता है कुछ। और इवन मेरे को पता चला कि अभी मैं क्योंकि फिल्म डेवलपमेंट में था, थोड़ा इंटरेस्ट था, तो अभी फिल्म स्टूडियो में भी काफी काम कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो भी वापस आ गया। तो काफी अलग अलग के हैं, जो फिल्म में जैसे स्पॉट बॉयज होते हैं, कोई कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि फिल्म स्टूडियो शूटिंग वूटिंग सब बंद हो गए, तो ये काफी अलग अलग तरीके से स्किल वापस आए हैं। तो इसको एक बड़ा चैलेंज है, स्किल मैपिंग तो अब करना टाइम लगेगा, 6-7 महीने लगता है, इट टेक्स टाइम, बट इमीडिएटली विद इन शॉर्ट टाइम जो 1 महीने में उनको कैसे उठा। मेन मेरा अभी है जो प्लम्बर है कि कारपेंटर है कि मेसन का इमीडिएट यूटिलाइज हो सकता है। रीजंस क्या है, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितना भी प्रोग्राम सक्सेस पंचायत राज से दिया गया, अभी करीब करीब 30,000 करोड़ ग्राम पंचायत के पास अवेलेबल है, फ्रॉम डिफरेंट टू कोई 50,000 का, कोई 50 लाख भी हो सकता है, ये कह नहीं सकते कौन स्टेट में कितना है, लेकिन हमने एस्टिमेट किया 30,000 करोड़ ग्राम पंचायत को पास पैसा अवेलेबल है, जो पंचायत राज का डिवोल्यूशन है। तो ये उसमें क्या हमने अलाउ किया कि पहला आपने क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर का पहले करिए, जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, तो आइसोलेशन सेंटर करने से ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ रिपेयर तो जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि परफेक्शन है कि स्कूल बिल्डिंग एकदम परफेक्ट है, कि कोई बिल्डिंग जो भी उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी के आइसोलेशन सेंटर किया उसका तो टेम्परेरी रिपेयर जो करना है उसको ऑथराइज किया है, सरपंच कर सकता है खर्चा। तो ऑब्वियसली मेसन का जरूरत पड़ेगी, छोटा सा लेबर का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स करना ये सब लेबर की जरूरत पड़ेगी उसको, ये हो सकता है इमीडिएटली जितना पॉसिबल लेबर एंगेज कर सकते हैं। सेकेंडली होगा कि प्लम्बर का, अभी गर्मी आ रही है तो ड्रिंकिंग वाटर का समस्या सब जगह होता है, ये नई बात नहीं है, इंडिया में हर साल में ये हमारा होता है, हर साल में ये फोकस एक रहता है। तो ड्रिंकिंग वाटर कहीं ना कहीं बोरवेल खराब हो गया कि पाइपलाइन टूट गया, उसको दोबारा रिपेयर करिए, तो प्लम्बर की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली एंगेज कर सकते हैं प्लम्बर इमीडिएटली, क्योंकि वो डेली वेज पेमेंट में दीजिए। फिर दूसरी बात, नरेगा में अभी 40,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा सेंक्शन किया, नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो इसमें जो आएंगे। लेकिन मेरा एक पर्सनल, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, जैसा आप विदेश इंडिया में जाते हैं, भले वहां पे कोई प्यून खलासी भी काम करेगा, लेकिन इंडिया में थोड़ा रुतबा दिखाता है। तो ये अभी जो दिल्ली बॉम्बे से आए हैं, जो इवन ही मस्ट बी डूइंग वेरी पेटी मैनुअल वर्क, बल्कि गाँव में उसका रुतबा है कि मैं शहर से आया हूँ, तो ये एकदम डाउन टू अर्थ काम, मैनुअल जो बोलते हैं एकदम सॉइलिंग द हैंड काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रेजिस्ट थोड़ा करेगा, अनलेस एकदम डिस्ट्रेस ना हो जाए, खाने पीने के भूख मरी हो चलिए तो काम करे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रखेगा फ्रॉम एक्चुअली जो मैनुअल एकदम वर्क, डिस्टेंस रखेगा, क्योंकि गांव में उसका ऑलरेडी प्रेस्टीज एस्टैब्लिश्ड है, ही डजंट वांट टू डिस्टेबलाइज दैट प्रेस्टीज इमीडिएटली, क्योंकि जो थोड़ा सा यहाँ पे शहरों में 20-25 हज़ार कमाता है वो सडनली 120 रुपया काम के लिए नहीं जाएगा। ये मेरा तो मैंने जिस तरह का मैं फोकस कर रहा हूँ, तो उसको कैसे हम टैकल करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये थोड़ा सा उसको रेस्पेक्टेबिलिटी डिग्निटी बात करना किस तरह करेंगे और तो थोड़ा डिफरेंट होगा। तीसरी बात होगी कि जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अभी प्रोग्राम किया है कि जो स्ट्रीट वेंडर है 10,000 का लोन बैंक से मिल जाएगा, फिर मुद्रा में शिशु का 50,000 लोन है बैंक का, भले अभी थोड़ा सा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि ये एनकरेज, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट हो गई कि इस तरह का किस तरह एंगेज करना है, छोटा छोटा ट्रेडिंग करना है, छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग। और गाँव में अभी स्पेशली मैं देख रहा हूँ मेन इशू है कि अभी मेजर इश्यूज है, मैं जैसा फोकस कर रहा हूँ कि ये मीडिया में हाईलाइट हुई है, ये जो
पहले तो सप्लाई चेन बहुत अच्छा था, तो वुमेन हाइजीन वाज बीइंग टेकन केयर टू सम एक्सटेंट, वुमेन हाइजीन एस्पेशियली मेंस्ट्रुअल पीरियड में। अभी मेजर स्कोप है वुमेन लेडीज सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, कैसे सैनिटरी नैपकिन बनाना और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना, एक बहुत बड़ा अवसर है एक्चुअली अभी सर, क्योंकि जो पैकेज ब्रांडेड है अभी रूरल एरिया में सप्लाई नहीं है, ये अर्बन एरिया में हो रहा है क्योंकि उनका भी फैक्ट्री बंद हो गया। और ये ऑलरेडी चल रहा था, मैं काफी गाँव में देखा हूँ ये चल रहा था सैनिटरी नैपकिन का बड़ा सा, जो कोयम्बटूर जो अपना जो पैडमैन का स्टोरी जो दिखा है फिल्मों में, उस तरह काफी चल रहा था, ये बेच रहे थे 2 रुपया 10 रुपया 5-5 6 बना के पैकेट करके 20 रुपया कैसे बनाते, ये सेल्फ हेल्प वुमेन हेल्प करके एंगेज करके ये करना है, क्योंकि अदरवाइज द रियल दैट एरिया दैट एज ग्रुप यू आर सफरिंग बिकॉज दे आर गोइंग टू अगेन ओल्ड एज प्रैक्टिस और इट इज क्रिएटिंग अनदर हेल्थ इश्यूज नाउ। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वुमेन के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि उसको में रहे, और इसमें ज्यादा कोई है नहीं, ओनली सेल्यूलोज कॉटन, जो इवन पैडमैन ने भी सिंपल दिखाया था, नॉर्मल कॉटन से तो होती ही नहीं, सेल्यूलोज कॉटन से होती है, वो सप्लाई चेन कहीं से सप्लाई करके उनको देने से ऑटोमेटिक शुरू हो जाए। तीसरी बात और एक है, हमारा गाँव में अभी मैंगो का सीजन है, मैंगो का सीजन है, मैंगो अभी तूफान में झड़ जाता है जो करता है, आपने देखा होगा गाँव में ये मैंगो को काट के सिंपल सुखा देते हैं, डीमॉइस्चराइज करते हैं, जैसे अमूल बोलते हैं, कोई दूसरे का पता नहीं अमूल बोलते हैं, अमूल का आराम से हो जाए, क्योंकि अमूल बाद में सांभर यूज करता है, कोई अदर दाल में डाल के खाता है, कोई इधर उधर वैरायटी में करता है, तो ये सिंपल ड्राइंग प्रोसेस है, समर सीजन में इज वेरी इजी टू कीप इट एंड दैट शुड बी द एंगेज, रूरल में जो घर में लेडीज हैं कोई और जेंट्स हैं ये सब एंगेज कर सकते हैं, और इसका वैल्यू एडिशन बाद में बिकेगी, क्योंकि ये डेफिनेटली बिकेगी, और नॉर्मल जो पिकल्स हैं ऑल दोस थिंग्स दीज आर ऑल स्टैंडर्ड पापड़ बनाए, जो भी पॉसिबिलिटी है इसी तरह एंगेज करना है, क्योंकि अर्बन वाले क्या करते हैं, शहरों में खरीदते थे, क्योंकि अर्बन माइग्रेंट लेबर भी इसीलिए क्राइसिस होगी, क्योंकि शहर में कोई बनी बनाई चीज रेडीमेड अनलेस अनटिल यू हैव मनी यू कांट परचेज, बट गांव में पॉसिबिलिटी है, किचन गार्डन है, कुछ घर में अपना अपना कुछ कुछ बना लिया, रॉ मटेरियल है तो बना लेता है, तो वो एक फैसिलिटी पॉसिबल था, तो ऑब्वियसली दे नो द थिंग्स एंड दे विल बी एबल टू डू दैट। एंड ऑब्वियसली आत्मनिर्भर योजना मतलब जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बोले हैं, इसी तरह से ही रूरल इकोनॉमी रिवाइव हो सकता है, अदरवाइज देयर विल बी फॉर दैट प्रोसेस जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ है, हमारा एक हर स्टेट में लीड बैंक होता है, बैंक लीड बैंक बोलते हैं, और ये बैंक स्पॉन्सर्ड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ट्रेनिंग कॉस्ट रीइंबर्स करता है, RCT बोलते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहते हैं, इट्स ए कैप्सूल ऑफ 1 month डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, जो एजुकेटेड इसको ट्रेनिंग करते हैं कैसे अपना बिजनेस खोल पाए, जो थोड़ा सा पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव लगता है बैंक उसको क्रेडिट लिंकेज भी करता है और उसको मॉनिटर भी करता है कि सपोर्ट करता है, तो RCT में जो जो माइग्रेंट लेबर खाली है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको इसमें दाखिल करना हम कोशिश करना चाहिए जितना पॉसिबल है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है एक दो डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन साइज, RCT इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नाउ टू उनको एंगेज किसी कराया, और वहाँ पे भी मतलब डे टाइम क्लास होता है और थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पास तो सब पहन ही रहे हैं, थोड़ा बहुत वो लोग मैनेज भी कर लेंगे, इस तरह का उसको पढ़ाएं वहाँ पे सो दैट दे पीपल नो दैट, क्योंकि माइग्रेंट लेबर भले बाहर में लेबर करता था लेकिन उसको बिजनेस नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होगा, जरूरी नहीं है एकदम फाइनेंसिंग नॉलेज होगा कुछ होगा, तो इसको ही थ्रू कर सकते हैं, और उसका इवन स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी स्किल एनहांसमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में भी एक्चुअली रेडीमेड काफी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में एक फायदा है कि छोटे से साबुन बनाने से बड़े 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 आइटम के लिए भी रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलते हैं, उसका कितना फाइनेंस चाहिए कितना सब चाहिए वो मिल जाते हैं, इवन वेबसाइट भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन आजकल पब्लिक डोमेन हो गया और काफी मल्टी वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमको बताएंगे तो अपना अपना एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना पेनिट्रेटिव हो गया है तो सब जानते हैं इस बारे में, माइग्रेंट लेबर तो और भी उसमें कन्वर्सन है तो जानते हैं। दूसरी बात है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो 10,000 जो स्ट्रीट वेंडर लोन है क्रेडिट हुआ, ये 50,000 शिशु लोन है उसका भी कर सकते हैं, और मेजर मेन फोकस है कहीं ना कहीं उनको काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि इतना डिस्ट्रेस्ड है, और मैं एक्चुअली पर्सनली मैं खुद ही ऑलमोस्ट दिल्ली में जितना बेगर्स है मैं रफली सैटरडे संडे जो फ्री है कहीं ना किसी मोबाइल लगा दिया कुछ का, मैं पर्सनल सूरत का भी कुछ बात कर रहा था, क्योंकि हर लेवल थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा एक रोनल्ड रीगन अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बोला था, ये जरूरी नहीं है कि हम हर आदमी को मदद कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी एक दिन में 2-3 आदमी 5-10 आदमी की मदद कर सकता है, मेरा ये बिलीफ है, एटलीस्ट उसमें फैल जाता है क्योंकि एटलीस्ट बात कर सकता है कुछ, क्योंकि ये बहुत अभी ऐसा सिचुएशन हो गया
थोड़ा बात करेंगे, काउंसिलिंग करेंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, उसको पता है कि थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल वेल ऑफ है, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है, हमको थोड़ा बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा मोटा इश्यूज होगा, कहीं हो सकता है ग्रीवेंस रिजल हो जाए। और ये गांव में ऐसा सिचुएशन है कि सरपंच कर रहा है काफी, और मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, काफी सरपंच रियली इंटरेस्टेड लेके काफी कर रहे हैं, लेकिन फॉर देम ऑल्सो बिकम ए रियल चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि सो लेवल है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक सरपंच मेरे को शिकायत किया, मेल सरपंच था, तो उड़ीसा से शिकायत किया कि सर हमारा यहाँ पे कुछ माइग्रेंट लेवल लेडीज आ गया और लेडीज इधर उधर जा रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी ले, मना करता हूँ तो मानते नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि सर मैं कुछ बोलूँ तो फिर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो हम डरते हैं उस तरह का। तो मैंने समझाया कि आपका नहीं, आपको वाइफ को लगा उसमें। ऐसी सिचुएशन ऐसी हैंडल करनी भी, आप सरपंच हो ठीक है, आप डायरेक्ट आवाज को आपका वाइफ जाके बोले कि मैं सरपंच का पत्नी हूँ और मैं इस तरह का लेडीज का टैकल करूंगा, कहीं ना कहीं इस तरह का वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज है, डिफरेंट गाँव में अलग अलग सिचुएशन होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो गाँव का जो है काफी डिसिप्लिन है, मतलब रियली देयर आर आल्सो क्वाइट डिसिप्लिन, थोड़ा बहुत इधर उधर एवरेशंस होती है सोसाइटी में, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। और मेन और एक डिफरेंट आ रही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो है ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इट टेक्स टाइम, क्योंकि अभी समर सीजन के बाद जनरली एग्रीकल्चर सीजन में सम परसेंटेज माइग्रेंट लेबर वापस जाते थे, क्योंकि अपना खेती बाड़ी कुछ एग्रीकल्चर करने में जाते थे। अब ये वापस आएंगे आफ्टर द मानसून सीजन, तो मानसून सीजन तक अभी ऑलमोस्ट 4-5 महीना तो ऑलमोस्ट गाँव में बैठेंगे, और गाँव में बैठेंगे तो देयर विल बी अनदर इशू, हो सकता है कि ये मतलब काफी मतलब अलग तरीका का लाइफस्टाइल ना बदल रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी लिकर शॉप खोल रहे हैं, कोई ड्रग्स में चला गया, कोई लिकर में चला गया, दैट्स अनदर डेंजर नाउ, बिकॉज अर्बन में की आइडियल माइंड इज इविल सपोर्ट जो बोलते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में एक्टिव थे और सडनली आइडियल हो जाएंगे गाँव में, तो वो भी हमको सोचना पड़ेगा कि ये गलत हैबिट में ना चले जाए, क्योंकि अर्बन स्पेशली मेल्स, लेडीज गर्ल्स में ज्यादा इशू नहीं आएगी बट मेल्स में इशू आएगी, हो सकता है ये गांव में मिल गए और इधर उधर, क्योंकि गांव में डेफिनेटली नॉट ए फॉरेन लिकर, बात नहीं कर रहा हूँ, वो कंट्री लिकर भी काफी अवेलेबल होता है, सेम लिकर मोर हार्मफुल दैट, तो उस वाइसेस में ना जाए, तो एक हमारा से डेफिनेटली सोसाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह को सपोर्ट करें। और एक मेरा डेफिनेटली रहेगा कि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम तो है ही है, हमारा ईच इंडिविजुअल हमारा नेटिव गाँव को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना जरूरत, जिस गाँव को हम ओरिजिनली बिलोंग करते, जो भी पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता हूँ कि फाइनेंशियली हो, जो भी है, हम एक भी गांव कर दें, हमारा जितना अर्बन एरिया भी वो सारे गांव, 2.5 लाख पंचायत हमारा है, 6 लाख गांव है, कवर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक लिंकेज आजकल पॉसिबल है मोबाइल में कि व्हाट्सएप में, कहीं ना कहीं कोई पॉसिबल ऐसा नहीं है, और 10 आदमी बात भी कर लिए तो इट्स बिग, क्योंकि वो कैस्केडिंग इफेक्ट आती है, और ये मैंने कोशिश करता हूँ कि बात करूँ कहीं ना कहीं, और वो काफी मैं देख रहा हूँ काफी फ्रूटफुल होता है। और जो और एक चीज है, मेरा स्लाइड में थोड़ा सा दोबारा दिखा दीजिए, मैंने जी बोली, मैं जस्ट नरेट कर दूंगा, यही वाला स्लाइड या कोई दूसरा? रूरल ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। और एक है जो अभी जैसा चल रहा था, हमारा एक पंचायत राज ने बड़ा सा किया, इट इज स्लाइटली लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड, स्वामित्व योजना, जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। Yes. ये रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो हम घर में रहते हैं, जो होम स्टेट लैंड जो बोलते हैं, ये रजिस्टर्ड होता है, पक्का डॉक्यूमेंट होता है, वी कैन मोनिटाइज विद बैंक मोर्टेज, कोलेटरल देके हमको लोन ले सकते हैं। रूरल एरिया में ये अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि जो घर में गांव में घर होता है, उस एरिया को, प्लॉट को, की जो लैंड एरिया है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के चक्कर में उसका बैंक कोलेटरल लेता नहीं, खाली बैंक एग्रीकल्चर लैंड को लेता है। तो अभी क्या शुरू किए, ऑलरेडी महाराष्ट्र हरियाणा काफी स्टेट में शुरू हो गया, काफी मतलब कवरेज हो गया है, तो इसको कैसे हम मैपिंग करके, ड्रोन मैपिंग, जीपीएस मैपिंग, जो लैट लॉन्ग करके हम लोग जीपीएस मैपिंग करके उसको इंडिविजुअल ओनर को उसका डॉक्यूमेंट देंगे, पट्टा और लैंड डॉक्यूमेंट, वो क्या बैंक वालों को देगा, तो बैंक रिकॉग्नाइज दैट और उसको लोन देगा क्रेडिट। तो ये हो सकता है लॉन्ग टर्म है, मतलब जस्ट मैं बता रहा हूँ कि रूरल इकोनॉमी इसी में वो थ्राइविंग होगा और ये भी आगे फायदा करेगी। और एक है, जस्ट प्रीवियस स्लाइड, कैन यू गो प्रीवियस स्लाइड प्लीज? यस, नहीं उसका प्रीवियस, हाँ या, और एक है प्रीवियस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नहीं नहीं हाँ या, स्वामित्व योजना, वी कॉल इट स्वामित्व योजना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस प्रोग्राम को हमारा नेशनल पंचायत राज 24 अप्रैल को लॉन्च किया,
और ये बहुत बड़ा पैमाने में रूरल डायनेमिक्स को आई थिंक इट विल रियली रिवोल्यूशनाइज एस्पेशली क्रेडिट फाइनेंस, क्योंकि जो मेजर एसेट था वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था. एग्रीकल्चर लैंड हो रहा था, देयर इज नो डाउट दैट, बट एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो होमस्टेड लैंड है वो बहुत बड़ा चंक ऑफ जो लैंड रिसोर्सेज मोनेटाइज नहीं हो पाता. और एक अभी जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन बात कर चुका हूँ, देन लोकली अवेलेबल, अभी कोई बाहर से इम्पोर्ट करके कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है वो उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बाहर से लाना और प्रोसेस करना ये एक बहुत बड़ा इश्यू है. और एक है डेफिनेटली सेल्फ लाइफ का, हमारा इंडिया में एग्री प्रोड्यूस का मेन होता है कि जो ऑनियन का है, जैसा अभी तो ऑनियन प्रोडक्शन नहीं है, जैसे ऑनियन का बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में देखा हूँ, लसन गाँव ये एक्सपेरिमेंट दिखा हूँ, ये लसन और ऑनियन को कट्ठे रखेंगे तो मॉइस्चर में फंगस हो जाता, खराब हो जाता, तो उसको खाली एरेशन चाहिए, हवा में कैसे वो थोड़ा सा मतलब हवा उनको प्रचलित होता रहे, तो क्या करते हैं स्टैकिंग करते हैं, वो एक सेल्फ दूसरे सेल्फ, जैसा अपना टिपिकली देखे होंगे ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चिकन, तो एक एक कई केज टाइप रखते हैं, ये केज की जरूरत नहीं है, एक एक खाली एरेशन होना चाहिए कि बीच में हवा निकलना चाहिए, तो ये सिंपल टेक्निक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है, इस तरह करने से ऑनियन और लहसुन काफी लंबा रहता है. सिमिलरली दीज आर ऑल सिंपल टेक्निक आई एम टॉकिंग, एंड कभी कभी हम लोग ये अनदेखा कर देते हैं तो खराब हो जाता है. और जैसा अभी कंज्यूमर लाइकिंग डिमांड, लोकल एरिया डिमांड, जैसा चूड़ा हुआ, अभी कोई चूड़ा किया तो वैल्यू एडिशन करके तुरंत अपना पैसा कमा सकता गाँव में, क्योंकि ये चूड़ा का रेडीमेड पानी भिगाओ और खाओ, उसमें जो भी शुगर पुगर मिलाया और थोड़ा सा दूध पूध मिला दिया खा लेगा, तो चूड़ा का डिमांड सडनली बढ़ जाना चाहिए, स्पेशली रिलीफ सेंटर में तो चूड़ा दे दिया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रिलीफ सेंटर में, तो इस तरह का छोटा सा लोकल अवेलेबल है. लोकल हमारा जो इवन अभी हमारा उड़ीसा के प्रताप षडंगी सर मंत्री जी कल भाषण में बोले थे कि मुड़ी जो पफ्ड राइस इतना सेल्फ लाइफ लॉन्गर है, इवन साल भर भी रख दिया खराब होता नहीं है, और उसको हम मुड़ी करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो गया. और मुड़ी बहुत चीपर है, लॉट ऑफ इवन आई थिंक एज पर आई डोंट नो वेदर विवेकानंद हैज कॉल्ड इंडियन बिस्किट, तो काफी लोग बोलते हैं कि विवेकानंद ने टर्म दैट इंडियन बिस्किट बोल के, तो इस तरह का छोटा सा लोकल डिमांड, और ये खाते हैं काफी. इवन वेस्ट बंगाल में झालमुड़ी का एक कंसेप्ट आप सुने होंगे, जो इवन लोकल ट्रेन में झालमुड़ी, तो इस तरह का काफी लोग, एंड ऑब्वियसली उसका प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लोकल में अवेलेबल है और डेफिनेटली कर सकते हैं. और एक तीसरी बात, ये कोरोना वायरस के चक्कर में लूज सेल अभी थोड़ा लोग डरेंगे, पैकेज लेंगे, कुछ भी हुआ, कहीं पेपर पैकिंग हुआ कि छोटा सा पॉलिथिन पैकिंग हुआ, कोई इधर जो भी पैकिंग, मेरे को लग रहा है ऐसा डर आ गया कि वो लूज सेल में वो लोग थोड़ा सा डरेंगे. इधर रूरल एरिया में भी सेंसिटिव हो गए हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पैकेजिंग का कंसेप्ट होना चाहिए व्हाट एवर लेवल. ऑब्वियसली मार्केटिंग इज नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कैसे करें. नेक्स्ट प्लीज. एंड और एक बड़ा सा डिमांड है अभी देखिए, ये हैंड सैनिटाइजर, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये कोरोना से पहले हैंड सैनिटाइजर ऑनली अर्बन स्पेसिफिक था, वो भी मतलब ये रूरल एरिया में कोई जानता भी नहीं था साबुन मारते नहीं. ये हैंड सैनिटाइजर का बहुत बड़ा डिमांड बढ़ गई है, और उसका रूरल एरिया में हो सकता है, इसमें मेन है अल्कोहल इंग्रेडिएंट है ये, इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट को कहीं करना पड़ेगा. और इसकी एक्चुअली आप देखेंगे शुगर मिल जो 40-50% मोलासेस को अल्कोहल स्पिरिट में कन्वर्ट करते थे, जहां भी शुगर मिल है नेबरिंग एरिया हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाना, जहां भी शुगर मिल है, क्योंकि ये मेजर स्टोरेज होता था. मैं काफी शुगर मिल देखा हूँ, तो बेसिकली शुगर मिल का जो सर्वाइवल है नॉट बाय शुगर पर से और मोलासेस पर से, बट बिकॉज ऑफ अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग, आइदर इंडस्ट्रियल स्पिरिट बनाते थे और ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल बनाते थे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, डिफरेंट अल्कोहल बनाते थे, उससे ज्यादा कमाई करते थे उनके, इसलिए राउंड द क्लॉक फैक्ट्री का काम भी चलता था, क्योंकि शुगर की मिल का जनरली वो क्रशिंग होता है 3 महीना होता है, जनरली विंटर सीजन में होता है, उसके बाद लेबर ऑलमोस्ट आइडल, तो इसको यूटिलाइज करते थे ये कन्वर्ट करके डिफरेंटली अदर बाई प्रोडक्ट्स निकाल के. तो जहाँ पे भी ये इजी अवेलेबिलिटी अल्कोहल है, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इवन इथाइल अल्कोहल, जो भी लेवल अल्कोहल मिलता है, हैंड सैनिटाइजर लोकल में बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ये हर दिन का हर 5-6 बार आप हैंड सैनिटाइजर कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है हमारा, तो ये बहुत बड़ा होगी और ये डेफिनेटली कर सकते हैं. वेरी सिंपल टेक्निक है, और काफी अभी ब्रांडेड वाले कपी निकल गया, नॉन ब्रांडेड भी मैं देख रहा हूँ, रेलवे वाला खुद ही अपना फैक्ट्री में ये हैंड सैनिटाइजर बनाए रेलवे वर्कशॉप में, एज फॉर आई रिमेंबर, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. दूसरी बात है कि मैं ऑलरेडी बोला कि जो ऐसा अभी करेला काफी अच्छा एग्री प्रोड्यूस हो गया,
उसको स्लाइस करके ड्राई कर सकते, सिंपल ड्राइंग, और ये पैकेजिंग करके काफी बाद में बेच सकते हैं, 6 महीने के बाद भी बेच सकते हैं। टामरिंड, अभी टामरिंड सीजन है, अभी समर सीजन में टामरिंड आता है, जो इमली बोलते हैं उसको, इमली प्लेन इमली बिकेंगे तो बहुत कम वैल्यू, डी सीडिंग कर दिया, उसको सीड निकाल दिया तो ऑलमोस्ट 2-3 गुना प्राइस हो जाता है, और ये करके हार्वेस्ट करके घर में ही डी सीडिंग कर सकते हैं। मैंगो अम्बुल बोला मैंने था, वो पिकल जो है, बनाना चीज फ्राई, अभी बनाना भी कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, उसको बनाना पेरिसेबल कमोडिटी, हाईली पेरिसेबल जो कंज्यूम हुआ था, जो अदर उसका सिंपल चिप्स बना के रख दिया, ऑलरेडी स्टोरेज का मैं बोल दिया, जस्ट स्टोरेज का ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैंने, ऑनियन का कैसे स्टेक्स में करते हैं। और एक है रूरल जॉब का जो बोल रहे हैं, अभी देखिए पंचायतों में डिसइंफेक्शन फ्यूमिगेशन का बहुत बड़ा डिमांड है, क्योंकि स्कूल फ्यूमिगेशन करना है, हॉस्पिटल करना है, आंगनबाड़ी को फ्यूमिगेट डिसइंफेक्शन करना है, रोड को करना है, डिफरेंट एरिया को डिफरेंट फ्यूमिगेशन करना है, तो उसका फ्यूमिगेशन के लिए हमारा ऑलरेडी एग्री पेस्टिसाइड स्प्रेयर अवेलेबल है, हर गांव में हर घर में ये अवेलेबल होता है, क्योंकि अभी लोकस्ट में भी काफी स्प्रेयर जरूरत हुए होंगे जितना भी है, ये बाद में अनयूटिलाइज होते हैं, जब तक वो एग्रीकल्चर आएगा उसका बाद यूज होगा, उसको क्लीन करके नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर को डाइल्यूट करके इस पर स्प्रे करना का हमारा एडवाइजरी सबको दिया हुआ है। इवन हमारा दिल्ली में भी ऐसे ही होता है, नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर को पानी मिला है और उसी स्प्रेयर से हम स्प्रे करा रहे हैं पूरा ऑफिस पर डिसइंफेक्शन करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा रहेगा। और पंचायत को बताया गया है कि आप जो भी लोकल यूथ हैं जो भी है उसको पेमेंट करिए और अपना डिसइंफेक्शन करिए पंचायत में, इसीलिए पैसा भी का फुल यूज करने के लिए हमने सबको अनुमोदन दिया हुआ है। तो रूरल एरिया में एक बड़ा सा जॉब का एक इशू जो था इसमें क्रिएट हो गए, एटलीस्ट एक गाँव में मिनिमम 5-6 आदमी तो इसमें एंगेज हो सकता है एक एक गाँव में, और पंचायत में जो 5-6 गांव में मिलकर एक पंचायत होता है, मतलब 40-50 लोग आराम से हो सकते हैं, क्योंकि जितना स्कूल है, कॉमन पब्लिक बेसिस है, इवन हो सकता है कुछ अपने घर में भी करा ले, एज पे ऑन पेमेंट ऑनली, नथिंग ऑन फ्री आई एम टॉकिंग, बट जो रेट कॉन्ट्रैक्टेड होगा उसमें हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें डेफिनेटली एक बड़ा सा जॉब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक है मैंने फेस मास्क का जो है, क्योंकि यहाँ पे मैं टिपिकली लिखा हूँ कि पर्टिकुलरली आजकल थोड़ा अभी देखिए ना, अभी धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट काफी आ रहा है कि ब्रांडेड, मैंने जो ओनर है सब आजकल फेस मास्क ब्रांडेड शुरू हो गया। तो अपना मैं टिपिकली मैं उड़ीसा का हूँ, तो संबलपुरी क्लॉथ इज अ ब्रांडेड क्लॉथ देयर, बिकॉज इज अ लोकल हैंडलूम टेक्सटाइल, उसी में फैशन शो हो गया, शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली जो लोकल कस्टम का हैंडलूम है उसी से फेस मास्क, खादी भी शुरू कर दिया, अभी खादी का आ गया कि खादी क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ में फेस मास्क हो गया, बिकॉज इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी ए योर फैशन स्टेटमेंट नाउ, मास्क विल बी ए फैशन स्टेटमेंट, एंड व्हाई नॉट वो रूरल एरिया भी उसमें यूज कर सकते हैं ये, क्योंकि करके आइदर बेचेंगे, खुद यूज इस्तेमाल कर सकते हैं वो, क्योंकि घर में कोई ना कोई फैसिलिटी होगा, थोड़ा सिलाई मशीन घर में, गाँव में रहता ही जनरली घर में, और हैंड स्टिच भी कर सकता है, कोई ज्यादा इतना है नहीं वो, तो इसमें डेफिनेटली एक होगा। और एक मेरा ये सजेशन है कि लूज सेल फेस मास्क करेंगे, खरीदेगा नहीं उसको, 5-6 पैक करके बिकेंगे तो बिकेगा, बट और प्राइस डिपेंड्स ऑन द लोकल मार्केट सिस्टम। ऑलरेडी मैंने सैनिटरी नैपकिन का ये, क्योंकि ये काफी हाईलाइट हो चुकी है कि ये लेडीज गर्ल्स के लिए इशू आ गई और हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली इसको डेफिनेटली सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा बढ़ावा देना चाहिए सो देट ये काम आए। और एक ऑलरेडी मूढ़ी पैकिंग, चूड़ा पैकिंग, बड़ी पैकिंग, ब्रेड पैकिंग, ऑल दो मैं बता चुका हूँ, उसमें जो सिंपल टेक्निक खाली थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको रास्ते में लाना है। और लास्ट में मैं सोशल सिक्योरिटी क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में अभी देखिए जितना माइग्रेंट लेबर दुर्भाग्यवश रास्ते में कोई का देहांत हो गया, कुछ एक्सीडेंट में अपाइज हो गया, ये सब इंश्योरेंस कवरेज होता तो दे वुड नॉट हैव बीन दैट मच पेन्यूरी नाउ, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस है 12 रुपया में साल भर एक होता है, और एक्सीडेंट डेथ किसी भी कारण हुआ और वो एज लिमिटेड 18 से 70 साल, तो कोई रास्ते में डेथ भी हो गया एक्सीडेंट से, अभी 2 लाख यू वुड हैव गॉट इनटू बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट एश्योर्ड है ये, लेकिन ये इंश्योरेंस कराया नहीं तो यही प्रॉब्लम होगी। शुरू से अभी प्रोग्राम चला था कि ग्राम स्वराज अभियान में अभी का सरकार ने, हम लोग काफी नोडल ऑफिसर थे, काफी कवरेज हुए, 4-5 करोड़ का एनुमरेशन हुआ, लेकिन माइग्रेंट लेबर ये कराए होते तो अभी देखिए ये एटलीस्ट फाइनेंशियली दे वुड नॉट हैव गॉट इनटू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आपका उनका अकाउंट में, एटलीस्ट परिवार के अकाउंट में 2-3 लाख आ जाता, सुविधा है पर ले नहीं पाएंगे। Pardon me? सुविधा है सर पर ले नहीं पाएंगे अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो।
नहीं इंश्योरेंस नहीं कराया तो बिकॉज इंश्योरेंस इज बेसिकली जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं तो इंश्योरेंस कवर नहीं होते ना yes. वो तो आई लेकिन काफी लोग किए हैं बोलते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं काफी लोग किए हैं लेकिन ये जानकारी ज्यादा बहना पड़ेगा नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट ऑफ कोरोना बट फ्यूचर के लिए भी क्योंकि एक्सीडेंट इज ऑलवेज एनीबॉडीज लाइफ कुछ कोई ट्रेन में से गिर गया कोई रास्ते में गाड़ी में जा रहा कुछ हो गया इसमें दो चीज है एक तो देहांत हो गया तो 2 लाख अपाहिज हो गया तो 1 लाख मिलता है तो दोनों कवरेज है और ये बड़ा 18-17 साल तक बड़ा लंबा उम्र का कवरेज है वाइड कवरेज बहुत बड़ा एज का जो बैंडविड्थ है बहुत बड़ा बैंडविड्थ है और उसमें सिंपल 12 रुपया साल भर में कोई ज्यादा 12 रुपया नॉर्मली ऐसे चाय खरीदने कोई सिगरेट बीड़ी पीता तो उसका खर्चा कर लेता तो इट्स नॉट ए बिग थिंग ओनली उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हमारा जनधन अकाउंट 20 करोड़ का पास पुअर पीपल का पास ये थोड़ा सा खाली जस्ट बताना है कि वो करना है क्योंकि इसमें थोड़ा अज्ञानता के ज्यादा इशू है और जो जानता है वो कराता है मैं देखो उसमें कोई नहीं दूसरी बात और एक है नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर लाइफ इंश्योरेंस भी जो एकदम चीपेस्ट मतलब है 18 से 50 साल तक साल भर में 330 रुपया और वो क्वार्टरली पेमेंट भी पॉसिबल है 87 रुपीज और ये बैंक अकाउंट से आता है बैंक अकाउंट कोई क्लेम हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करता और इसमें रूरल पुअर के बहुत फायदा हुआ मैं इसका डायनेमिक्स देखा हूँ ये बैंक वाले तो करते हैं सब एडमिनिस्टर स्कीम को लेकिन ये इंश्योर्ड होता है इंश्योरेंस कंपनी में तो कोई नॉर्मली प्राइवेटली कोई इंश्योरेंस लेता है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम कराओ इसमें क्या इंश्योरेंस क्लेम बैंक फाइट करता है एक्चुअली मैं देखा हूँ तो दैट इज वाई दी एश्योर्ड बेनिफिट क्लेम इज ऑलमोस्ट 100% हियर इन दिस केस क्योंकि बैंक बोलता है कि मैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हूँ मेरा ये बेनिफिशियरी है तो बैंक फाइट्स विद इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी कंपल्सरी क्यों बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है यू प्लीज अंडरस्टैंड इंडिविजुअल फाइटिंग ऑन इंस्टीट्यूशन इज बार्गेनिंग पावर लेस बट इंस्टीट्यूशन फाइटिंग एंड इंस्टीट्यूशन बार्गेनिंग पावर इज वेरी हाई तो इसीलिए जो क्लेमेंट है रेशियो है जो बोलते हैं कि तो हमने बहुत हाई 99% क्लेम आई मीन सेटलमेंट रेशियो है इसमें नॉर्मली प्राइवेट में होता नहीं है बहुत लड़ना पड़ता है तो इसीलिए ये सब कराने से क्या रूरल पुअर ऑल्सो कैन गुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट और एक है डेफिनेटली माइग्रेंट लेबर भले यंग एज है लेकिन आफ्टर 60 ईयर्स जो अभी काफी माइग्रेंट लेबर में थोड़ा ओल्ड एज भी दिखा गया अटल पेंशन योजना इज ऑल्सो वेरी चीपेस्ट पेंशन सिस्टम आफ्टर 60 ईयर अप टू 5,000 पर मंथ वन विल गेट एंड डिपेंडिंग ऑन 1,000 to 5,000 है और मंथली सब्सक्रिप्शन डिपेंडिंग ऑन एज मे बी 20-22 साल स्टार्ट किया तो 200-250 रुपया है उसे तो 35 साल में उसको 400 रुपया लगेगा और इसमें क्या डेथ होने के बाद भी पेंशन टाइम डेथ होने से भी अप टू 8.5 लाख लमसम मिलता है उसमें उसका ग्रेचुटी सिस्टम है फिर उसके बाद डेथ होने का स्पाउस को 50% पेंशन सो वेरी वेरी गुड थिंग वी शुड थिंक ऑफ दैट कि ये भी प्रमोट करें क्योंकि ये सब सोशल सेक्टर स्कीम को करें तो क्या होता है कि दे आर ऑल सिक्योर टाइप मन में शांति रहता है और इधर जनरली अभी माइग्रेंट लेबर में मेरा है जैसा फार्मर्स डिस्ट्रेस हुआ था कि फार्मर का क्रेडिट प्रॉब्लम हो गया एग्रीकल्चर फेलियर हो गया तो सुइसाइडल टेंडेंसी होता है तो माइग्रेंट लेबर में ये भी पॉसिबिलिटी हाईली इंडेप्टेडनेस कुछ नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली ये रिकोर्स लेगा तो ये पॉसिबिलिटी चांसेस है कि वी शुड बी अवार्ड ऑफ दैट नथिंग टू रॉन्ग टू टॉक अबाउट दैट बट इट इज रियलिटी समटाइम होता है रूरली दैट क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं और थोड़ा सा इंडेप्टेड कोई साहूकार आया कोई मैनेजर बार बार पूछा तो बड़ा पैनिक हो जाएंगे फिर और तो सोशल सिक्योरिटी ने से थोड़ा सा एक रहता है कि मेरा पास इतना है और उसमें मैं कुछ आगे कर सकता हूँ और एक है रुपए एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड ये भी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन जानकारी नहीं है उसमें भी एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस में 1 लाख का एक्चुअली इनबिल्ट इंश्योरेंस मैकेनिज्म है अभी भी जितना किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है कोई लेबर का डेथ हुआ तो सपोज उसका रुपए कार्ड है वी कैन इंटीमेट टू द बैंक दैट ये हुआ है ऑब्वियसली इसका 1 लाख का रुपए क्रेडिट कार्ड से बैंक को क्रेडिट होना चाहिए हमारा जानकारी में जिसका नजर में कहीं कहीं आता है कि माइग्रेंट लेबर किसका डेथ हो गया और उसके पास रुपए एटीएम कार्ड है क्योंकि उनका फैमिली मेंबर पता देगा कि है लेकिन जानकारी नहीं हो तो क्लेम नहीं कर पाएंगे और एक है कि गाड़ी में जो आ रहे थे काफी गाड़ी में आ रहे थे काफी एक्सीडेंट हो गया ये गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सारे कवरेज है लेकिन काफी यात्री इन लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे पास ये इंश्योर्ड कवर है ये भी बताना होगा क्योंकि हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जितना भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि इंश्योरेंस क्लेम कैन नॉट बी डिनाइड इफ इट इज ऑल्सो वायलेटिव लॉ क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डजंट से दैट ऑलवेज टू कंप्लाई विद लॉ ओन कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस में कंप्लेंट विद लॉ है बिकॉज मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस जो करता हूँ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और चला रहा हूँ तो मेरा गाड़ी का डैमेज होगा उसमें कवरेज नहीं होगा लेकिन उसमें पैसेंजर का जो कोई दूसरे को हिट किया ही शुड बी एबल टू गेट ए कंपनसेशन वो सुप्रीम कोर्ट काफी क्लैरिफाई किया है उसका कोई गलती नहीं है उसमें कि मेरा लॉ अवॉइड है कि नहीं है उसको मिल सकता है जो अभी ट्रैवलर्स है कभी एक्सीडेंट हुए हैं कुछ हुए हैं जो इंजर्ड हुए हैं व्हाटएवर
they can file cases along with the claim. And obviously, bank account में भी insurance automatically inbuilt है, ये rural migrant को बताना पड़ेगा. और एक कुछ state ने अपना अपना किए हैं, जैसा आयुष्मान भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ, कुछ स्टेट वाले अपना यूपी में भी वो अपना अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस करवाए हैं, जहाँ जहाँ इंजर्ड हुए हैं कि कोई एक्सीडेंट विक्टिम है उसका भी एक्सपेंसेस हुए होंगे, कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट में भी पता नहीं कैसे उनका किए होंगे, लेकिन दिस शुड बी टोल्ड दैट दे कैन फाइल क्लेम ऑन दैट. और ये पॉसिबिलिटी है, उसमें वो रिइंबर्स हो जाता है और बाद में मिल सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आई थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड. जस्ट आई वांट टू फोकस बिकॉज ये सोशल सिक्योरिटी होने से क्या होगा, एक तो होगा कि मतलब जो डेस्परेट सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए होगा, भले अभी मे नॉट बी राइट टाइम बट एटलीस्ट फिर भी हम लोग ये फोकस करेंगे. क्योंकि अभी मैं पर्सनल एग्जांपल बोल रहा हूँ, जस्ट नॉट टू बोस्ट इन द पब्लिक डोमेन, मैंने एक्चुअली काफी दिल्ली का बेगर्स को बैंक अकाउंट खुलवाया था, अपना ऑफिस में बुला बुला के मेरा जितना कॉन्टैक्ट आते थे जो भी है, कहीं रास्ते में घूम रहे हैं किधर घूम रहे हैं. तो अभी क्या हुआ, सडनली दे फाउंड दैट बैंक अकाउंट में रियल हेल्प देम, बिकॉज पहले तो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है, भीख मांगते हैं, काम डिपोजिट करें. तो मेरे को अकाउंट बताया तो मैंने कुछ कुछ को 250 रुपया 300 रुपया जो भी मेरा पॉसिबल था कि 500 रुपया दे दिया. तो मैंने अभी डिजिटली ट्रांसफर किया उनको. तो मैं बोला जब आप नहीं कराए होते तो मैं डिजिटल ट्रांसफर नहीं कर, क्योंकि मैं आपके पास आ नहीं सकता, क्योंकि दूर दूर रहते हैं, तो 50 किलोमीटर दूर रहता है ना, इधर आप आ सकते हो. अब उनको समझ में आ गया अकाउंट का फायदा क्या हुआ. पहले तो अकाउंट बोलते थे भाई आप हमको कोई भीख मांगते हैं कोई फर्क नहीं है, बैंक अकाउंट खुला दिया ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बैंक अकाउंट क्या फायदा हो रहा है. तो ऑब्वियसली कभी कभी क्राइसिस सिचुएशन में कभी नया ना होता है, जैसा भारत सरकार में डिजिटाइजेशन हुआ भी, वो नोटबंदी के चक्कर में आफ्टर इफेक्ट हुआ, डिजिटाइजेशन ज्यादा बढ़ा. तो ये पुअर में भी होगी, हम लोग ये सोचेंगे तो कुछ करेंगे और आगे कुछ हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्राइसिस में काफी लोगों को काफी नया नया चीज सिखाता है. और ये मेरा था कि सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो इज मस्ट फोकस, इट नॉट मे बी टूडे बट एटलीस्ट फ्यूचर के लिए सबके लिए जरूरत है. क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा मतलब दुरावस्था है कि हमारा शायद आई थिंक पेंशनेबल 11% पेंशन कवर्ड है और 22% इंश्योरेंस कवर्ड है, इंक्लूडिंग मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस और डेथ इंश्योरेंस. थोड़ा सा तजुर्बा और मैं थोड़ा सा जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में बताया. नहीं, आपने आपने टू द पॉइंट बात किया और काम की बात किया जिसका जरूरी है. अब कुछ सवाल मैं ले लेती हूँ. पहला सवाल तो यही आया है, आपने जैसे कहा कि काउंसलिंग की जरूरत है, तो सरपंचों को या उनकी टीम को या किसको हम काउंसलिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, क्या कोई सिस्टम बना रहे हैं? क्योंकि विदाउट काउंसलिंग एंड विदाउट अवेयरनेस एंड विदाउट, जैसे आपने इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई, बट ये इन्फॉर्मेशन उन तक और इंडिया में ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में 50% वुमेन रिजर्वेशन हो चुका है. तो ऑलमोस्ट सब जगह पंचायतों में अभी तो 46% वुमेन रिजर्वेशन है पंचायतों में. तो ऑलमोस्ट 50% वुमेन है, मेल ऑल्सो है, उसमें भी लेडी सरपंचेस भी हैं. और ये काउंसलिंग जो 10-15 पंचायत समिति है उनको बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है आप अपना अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैं खाने का व्यवस्था करूंगा, कोई मैं हेल्थ का उनको देखूंगा, एक सेक्टोरल टाइप उनको बता दिया कि आप एक कर ले. और वो दे ऑल्सो देयर अपना इंटरेस्ट में अपना जो डोमेन नॉलेज के बेसिस में वो कर रहे हैं. बेसिकली आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए किस तरह का मॉनिटर कर रहा है वो भी सबका आपको अलग अलग डिपेंड हो गया. बड़े लेवल पे चलाना पड़ेगा ना, छोटे छोटे जगह अगर हम कुछ कुछ करते जाएंगे तो किसी बड़े लेवल पे, जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो मन की बात करने के बजाय आप जैसे या किसी वॉलंटियर को भेज के ऑल ओवर इंडिया के मजदूरों से बात करें और उनको बताएं कि वो ये कर सकते हैं. एक बार सरपंचों से बात कर लें, एक बार सरपंचों की टीम से बात कर लें. अभी स्कूल्स बंद है तो टीचर्स अवेलेबल हैं, प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं. हम चुनाव में तो उनका इस्तेमाल कर लेते हैं सर, बाकी जगह भी उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं हम उनका इस्तेमाल करें? नहीं नहीं, सरपंच का तो आप देखे होंगे नेशनल लाइव टेलीविजन में जो हमारा नेशनल पंचायत डे हुआ था, प्रधानमंत्री सीधा डायरेक्ट सरपंच को बात किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ प्रधानमंत्री खुद ही सरपंच जी पूछे कोरोना बारे में क्या कर रहे हैं सारे. मतलब एक तो पुणे का आया था, ये सिचुएशन आई थी, वो लेडी सरपंच थी, वो बोलती मेरे पंचायत में मोस्टली माइग्रेंट लेबर है, क्योंकि पुणे पिंपरी चिंचवाड़ का एरिया है तो माइग्रेंट लेबर है, तो मेरा पॉपुलेशन 3,000 है तो माइग्रेंट पॉपुलेशन 50,000 है, वो बता रही थी. तो ये इशू सब जगह अलग अलग इशू है, क्योंकि मेन अभी की फंक्शनरी सरपंच हो गया, गांव में सरपंच हो गया. सरपंच का डायलॉग लाइन है, क्योंकि लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप में है कि SMS में है कि अलग अलग ग्रुप में है,
क्योंकि इंडिविजुअली अभी फोन में बात करके तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन सरपंच लोग जो कटिंग एज लेवल में जो काम कर रहे हैं काफी सराहनीय है, काफी रियली एडमायरेबल है। रीजन क्या है कि जो अपना एरिया में वो कर पा रहे हैं, उनका भी लिमिटेड कैपेसिटी, ऐसा कोई दे आर नॉट हैविंग बिग फाइनेंशियल पावर की ऐसा कोई बड़ा सा ऑथोरिटी उनके पास है नहीं, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना कर पा रहे हैं काफी रियली हो रहा है। अदरवाइज देयर विल बी फेमिन। एक्चुअली इंडिया में ये आप सोचिए कि फेमिन नहीं हुआ अभी तक, जो फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ खाने पीने के, इतना तो नहीं हुआ कि एकदम स्टार्वेशन में डेथ हो रहा अभी, तो गांव में काफी इफेक्टिव रहा। सेकेंडली और एक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल लेवल में सरपंच एक बंदा लीडर होता है, ही हैज टू हैंडल 3,000-4,000 पीपल इन ए विलेज और ग्राम पंचायत में, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म रखा है कि वो ग्राम पंचायत के जो समिति मेंबर होते हैं दे शुड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, सो दैट उनका भी एक टीम एफर्ट होती है। और आपने जो सही कहा कि बड़े लेवल में होना चाहिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही कि अवली जो खाली डिस्टेंस में कॉन्टेक्ट हो पा रहे थ्रू सम वेबिनार सब, ये सब जगह इतना हाई लेवल कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हमने जो सैंपल बेसिस में कराया ये तो वेरी वर्कुलेंट टास्क, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी हो, प्रॉपर डिजिटल वीडियो का बैंडविड्थ हो, क्योंकि हर लेवल में हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पीपल आर रियली अंडरस्टैंडिंग कोरोना का क्या है। बट लेकिन क्या क्या डेस्परेशन है, मैं सुधा उदाहरण दूंगा, सूरत में जो इशूज में काफी डीपर स्टडी किया, सूरत में एक छोटा सा कमरा लेते हैं 10 फीट बाय 15 फीट, वहां पे डे नाइट शिफ्ट होता था टेक्सटाइल मिल में, तो 12 आदमी एक रूम को लेते थे, दिन में 6 आदमी सोते थे, रात को 6 आदमी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन में 12 आदमी उस रूम में हो गए, तो 12 आदमी उस रूम में फिट नहीं बैठते, तो ये बाहर घूमने शुरू कर दिए, तो उसमें फिर वो कोरोना लॉकडाउन का जो वायलेशन हुआ उसी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इशू देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू ऐसे इवॉल्व हुए हैं टू नेवर हैड इमेजिन दैट टाइम। सर आज एक ये परेशानी आया है तो हमें इतने सारे इश्यूज निकल के आए हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए कि जो लेबर जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी हो उनके घर की और एक समय की रोटी की, तो कम से कम या दोनों समय के खाने की बेसिक चीजों की, क्योंकि अगर इतना भी हम कर पाते तो इतना इधर से उधर उधर से इधर करके इतना परेशान नहीं होना पड़ता था मजदूरों को। नहीं आपने सही कहा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो काफी बार बार एडवाइजरी दिया कि एटलीस्ट जो लेबर आपका किसी फैक्ट्री में काम करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन टाइम में काम करते हैं केयर करना चाहिए, लेकिन आप अपना जो इंडिया का थिंकिंग और इवन दूसरे कंट्री में भी होते होंगे जो आप बोलते हैं ना डिवाइड सोसाइटल डिवाइड रिच एंड पुअर, और आप जरूरत है तो मैं कदर करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दिया सिक्योरिटी गार्ड सब कदर किए, क्योंकि कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड को सब कदर किया कोई सिक्योरिटी को वापस नहीं गया, लेकिन नॉर्मल लेबर सब चले गए वापस क्योंकि उनका लगा कि वो तुरंत जरूरत नहीं है। इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी शायद वहाँ पे अकोमोडेशन कोई इशू नहीं थी, वो तो वही कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट जगह में रह जाते हैं खाली खाने की जुगाड़ था, फिर भी वो भाग गए क्योंकि उनको कदर नहीं किया गया। तो ये तो आपका कहना बहुत सही है, अब उसमें आप क्या करें, दिस इज ए सीरियस मॉरल हजार्ड इन आवर सोसाइटी एंड वी हैव टू। पर एट द एंड हर राज्य को अपने यहाँ जो दूसरे राज्य से लेबर आए उनका ध्यान तो रखना पड़ रहा है, तो अगर जो उनके यहाँ थे उसी का वो पहले ध्यान रख लेते तो इतना परेशान भी कोई नहीं होता। और मेरा तेरा क्या होता है सर, जैसे आपने कहा कि मैं उड़ीसा से हूँ, आपको तो माइग्रेंट नहीं बोलता कोई, कि भाई तो हम कैसे मजदूरों को भाई जिसको जहाँ काम मिलेगा, हमको भी देश में जहाँ काम मिलता है हम जाते हैं, तो हम उनको क्यों प्रवासी मान रहे हैं माइग्रेंट मान रहे हैं, जब वो मेरे यहाँ काम कर रहा है मेरी बिल्डिंगें बना रहा है मेरी फैक्ट्री चला रहा है तो मेरा नहीं हो गया क्या? तो ये मजदूरों के मामले में मेरा तेरा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये आगे कभी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? आप देखिए ये जो फ्री टू मूव एंड फ्री टू सेटल फ्री टू जॉब इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो शुरू से ही अपना फोर फादर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ जो फाउंडिंग जो मेंबर्स है वो बनाएंगे फ्री टू मूव फ्री टू गो एनीवेयर एंड फॉर जॉब ऑल दिस थिंग। लेकिन समाओ ये एक्चुअली इवन अभी इंटरनल माइग्रेशन विद इन स्टेट भी हो रहा है, अभी देखिए बॉम्बे में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट से माइग्रेट किए, लेकिन इवन विद इन महाराष्ट्र दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग द बैक टू विलेजेस, दिस इज अनदर इशू। डर गए ना सर, वो डर गए हैं, उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और कहीं से उनको ऐसा किसी ने जताया नहीं है कि चिंता मत करो हम सब हैं, तो जब डर फैलता है तो सर एक तो एजुकेशन नहीं है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है, दूसरा कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है ना, अगर 2-4 महीने 6 महीने साल भर का भी कहीं अनाज भी पड़ा होता तो व्यक्ति सोचता है चलो साल तो निकाल लेंगे, कोई बैकअप नहीं है तो, और फिर अफवाहें, तो ऐसा लगता है कि चलो अपने गांव में जाके भले किसी कोने में पड़े रहेंगे दाल रोटी मिलेगा और दिन तो निकल जाएगा।
और एक भी है मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं ये बैंड वागन इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक कहता है कि 10 आदमी शुरू कर दिया वो उसको बोलता है मैं भी उसी तरह चलूं। ये माइग्रेंट लेबर आल्सो वन ऑफ द फेनोमेना ऑफ बैंड वागन इफेक्ट, क्योंकि टीवी में देखते रहे वो चलते रहे, उस गांव में चला तो मैं भी शुरू करता हूँ पहुंच जाऊंगा, बैंड वागन उसको काउंटर करना कोई एफर्ट नहीं रहा हमारा कोई भी, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ ये एफर्ट नहीं रहा कि उसको बैंड वागन इफेक्ट को किसी ब्रेक करके वापस। तो ये बैंड वॉकर इफेक्ट जैसे ही आपको मतलब अब गवर्नमेंट है तो जैसे ही पता चला वैसे उसको रोका क्यों नहीं गया, उसको वहां स्टॉप करके अगर उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता तो सर सबसे दुख की बात ये है, जैसे आपने भी शुरू में बताया था कोई अपनी रस्ते में गाड़ी बना के प्रेग्नेंट बीवी को 800 किलोमीटर पैदल चल के ले आया, कोई बच्ची अपने पापा को कितने किलोमीटर साइकिल पे बिठा के ले आई, कितने लोग पैदल चले, तो जो इतनी धूप में इनह्यूमन कंडीशंस में इनको पढ़ना पड़ा वो नहीं पढ़ना पड़ता अगर जो है जहाँ है उनकी व्यवस्थाएं वही हो जाती। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक सेंट्रल या एक मिलीजुली प्लानिंग कहीं लेट हुई या नहीं हो पाई? नहीं, एक्चुअली आप थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करेंगे, सरकार तो कोशिश की बैंक आउटिंग को ब्रेक करना, क्योंकि ट्रेन नहीं चलाना इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ब्रेकिंग द बैंडवागन, लेकिन वो ट्रेन का डिपेंड नहीं करके चलना शुरू कर दिए, चलना भी कभी कभी को बॉर्डर सीलिंग कराया फिर भी, लेकिन वो इतना सोशल ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई कि वो छोड़ना पड़ा, रिलैक्स करना पड़ा, क्योंकि हुई तो भले ओपनली डिक्लेयर नहीं हुआ पब्लिकली कि हम ये बैंडवागन इफेक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद किया, फिर उसके बाद थोड़ा बॉर्डर सीलिंग कराया, लेकिन फिर भी माने नहीं। अब क्या करें, सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है क्योंकि आप उस साइड एक समुंदर है और दूसरी साइड एक विल है, तो आप क्या करना चाहते हैं उसमें एक बैलेंसिंग प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली ये आप जो बोल रहे हैं भाई सही बात है, क्योंकि इतना लास्ट ग्रुप में आए फिर उसके बाद ओल्ड एज बच्चे सब हैं, कहाँ रुके हैं, उनका भी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं था कि उसको एकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन अब उस सोशल का सडनली एकदम कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, दैट आई एम ऑनेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि जो उसका आफ्टर इफेक्ट होती है अनदर डेंजर होता है, क्योंकि जबरदस्ती को रखेंगे फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी तो और हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये डेफिनेटली है कि फैक्ट्री मालिक थोड़ा सा उनको खाने पीने की व्यवस्था कर लेते, वेरी लो कॉस्ट मैकेनिज्म था, वेरी लो कॉस्ट सर, और मुझे ऐसे लगता है कि ये ऑर्डर अगर किया जाता कि जो है जहाँ है वही उनकी व्यवस्था करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्ट्रांग हो जाती, स्टेट गवर्नमेंट भी, और एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कहा जाता, और बाकी जिनके पास 1,000, 2,000, 3,000 वर्कर्स हैं, आप आज जो भी कमा रहे हो उनके कारण, आपका जो भी एसेट है उनके कारण, तो एक बार जरूरत पड़ने पर उनके लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता? नहीं बट लेकिन काफी मिलमानी में किया है, मैं अपना बाय नेम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना मेरा संगत में आया कुछ कुछ जगह, जैसा कॉयर मैट्रेस मैन्युफैक्चरर वन पर्टिकुलर मीरठ का ओनर है, वो अपने फैक्ट्री में 550 वर्कर को कर लिया, जो अच्छा कुछ लोग लिए हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी अबैंडन कर दिया माइग्रेंट लेबर को, उनका माइग्रेंट लेबर कोई नहीं गया, 500 लेबर उनका फैक्ट्री प्रोविजेस में है, इस पर बिलोंग टू मीरठ, तो ऐसा किए हैं काफी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन जनरल जो बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ दी अर्निंग जो आप बताए हैं, ऐसा कोई स्टोरी कभी मीडिया में क्यों नहीं आया? एक्चुअली आप नेगेटिव ज्यादा आते ही ना पॉजिटिव तो आती नहीं है, आता तो हो सकता था दूसरे भी कोई फैक्ट्री ओनर सोचते थे कि हमको ये करना चाहिए था, बट हम ये स्टोरी आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं, और दूसरा ये जो काउंसलिंग वाला बात है वो भी मैं सारे इतने सारे गेस्ट के बाद आपके मुंह से सुन रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या ये है कि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, अफवाहें हो गई, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई, फिर जो एक बात को 10 जगह फैलाने वाले न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हो गए, उनके कारण फिर जो समझ में आता है वो करते हैं। तो लेकिन अभी फिर भी माइग्रेंट लेबर जानकारी तो हो गया, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस, मैंने बोला कि इंडेप्टनेस का एक इशू आएगी भाई, सुसाइड लेटरनेस इज अ फार्मर हुई, दिस इज ऑलरेडी एक फार्मर का डिस्ट्रेस लेवल ही हुआ, क्योंकि आप ये और थोड़ा ध्यान रखने का कि भले हम शहर का रहने लेकिन गांव वाले बहुत इज्जत के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो सर एक सवाल आया है कि अभी श्रमिक क्योंकि परेशान है तो बीमार भी होंगे, कमजोर भी होंगे, और थोड़ा सा काम करने की कैपेसिटी में कमी भी आएगी, तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले उनका न्यूट्रिशन, उनका हेल्थ सारा कुछ अपडेट रहे, क्योंकि अभी अभी तो बहुत बुरी स्थिति है, कमाई है नहीं, खाने को जो मिल रहा है, अच्छा दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस ऑफ एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, तो व्हाट, क्या आपको ये महिमा पूछ रही है, क्या ऐसा कोई प्लानिंग आपका मंत्रालय कर रहा है या गवर्नमेंट के पास है? हमने जो पंचायत राज किया है कि हमने कम्युनिटी किचन हर गांव पंचायत में करने के बोला है। कम्युनिटी किचन में क्या होता है, ग्रुप में जो बेचारा घर में कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम्युनिटी किचन में आके खाए, कम्युनिटी किचन में नॉर्मली चावल डिपेंडिंग ऑन दी
एरियाज, कहीं रोटी खाते हैं, कहीं चावल खाते हैं, और दाल प्रोटीन कंटेंट जो हुआ, और वेजिटेबल, क्योंकि अभी तो मेरे को नहीं लगता है कि नॉनवेज फॉर्मवेज देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है चाय फाय दूध का साथ देते होंगे, हो सकता है पॉसिबल कहाँ पे, जैसे साउथ में अंडे अवेलेबल हैं, कुछ आंध्र प्रदेश में वो अंडे भी देते होंगे, डिपेंडिंग ऑन लोकल अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑनली, क्योंकि बाहर से खरीदना और उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितना लग रहा है कि न्यूट्रिशन लेवल का इतना इश्यू नहीं आएगी, सफिशियंटली स्टमक फुल खाया, क्योंकि जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन कंटेंट है कि और बाकी मिनरल्स वेजिटेबल्स में जितना मिलते हैं, ऐसा इशू नहीं आएगी। और जो नॉर्मल अभी जैसा हो रहा है कि हॉस्पिटल भी काफी एक्टिव है, जो थोड़ा सा कोई हुआ तो वो आयरन टेबलेट देना कि कैल्शियम टेबलेट देना, ये सब प्लेंटीली अवेलेबल है वहाँ पे, तो ये कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन। ये सवाल है आरके जैन सर का, सर तीन चार सवाल और ले लूं आपके पास समय? हाँ, ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सवाल है कि अभी जैसे हम ओपन करेंगे लॉकडाउन, तो आर्थिक मंदी का दौर शुरू होगा, आरके जैन का सवाल है, जिसमें सबसे अधिक नौकरियां कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जाएंगी, इसके अलावा निर्माण में लगे अन्य उद्योगों को भी धक्का लगेगा, तो ऐसे सेक्टर में जहां बड़ी संख्या में मजदूर खपते थे, अब इनके इनपे मुश्किलों का दौर शुरू होगा, क्योंकि आपको नया लेबर लेना पड़ेगा, अब हो सकता है बहुत सारा लेबर लौट के ही नहीं आए, तो जो नया है उनके स्किल का, जो पुराना है उनका स्किल का यूटिलाइजेशन, गांव में जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन जोत कर ये कब तक गुजर कर पाएंगे, तो इनके लिए क्या प्लानिंग है? नहीं, मैंने जो रिटर्निंग माइग्रेंट लेबर का मैंने बताया था, जो मेसन है गांव में, मेसन का कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो गांव का एक्टिविटीज में, क्योंकि जैसा अभी आया था साइक्लोन आया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, गांव में वहां पे सारे डैमेज हो गए, रोड डैमेज हो गए, तो वहाँ पे सपोज माइग्रेंट लेबर हैं, उनको तुरंत मेसन का जो रिपेयर्स हाउस बिल्डिंग का वो यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि पंचायत के पास पैसा है। दूसरी बात, जैसा वाटर सप्लाई का प्लम्बर का हुआ, जो माइग्रेंट वापस आया प्लम्बर, पानी सप्लाई, गर्मी में ऐसी भी पानी का इशू होता है, कोई ट्यूबवेल रिपेयर करना है, कोई किसी को पब्लिक टैप का रिपेयर करना, कोई एंगेज हो सकता है। दूसरी बात बोला कि जैसा यंग लोग हैं, जैसा ये डिसइंफेक्शन फ्यूमिगेशन के लिए, उसका ये घर में स्प्रे मशीन है, उसमें सैनिटाइजर खरीद के लेकिन जो भी मिनिमम डे टू डे पेमेंट, क्योंकि गांव में भी कुछ कुछ मिनिमम है, 100 रुपया तो मिल ही जाते हैं दिन में आजकल, तो उस तरह का एक्टिविटी हुआ तो एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा सा सोलेस हो जाएगी, क्योंकि खाली बैठने से एटलीस्ट 100 रुपया दिन में कमा लिया। जी, ये सुमित पूछ रहे हैं कि आपने ज्यादा हाई स्काई एम करेंगे तो हो पा नहीं। जी, ये सुमित पूछ रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग बताए, छोटे छोटे काम बताए जो गांव में शुरू किए जा सकते हैं, अब इसके अवेयरनेस के लिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए, इसकी जानकारी उन लेबर तक पहुंचे, इसके लिए क्या योजनाएं हैं? नहीं, इसका जो प्रोसेस है उनको पता है, बड़ी मेकिंग आप घर में कोई गांव में बताना जरूरत नहीं है, ये अमूल बनाइए, क्योंकि वो जनरेशन जनरेशन कर रहे थे, खाली उनको ये बताना है भाई ये करो, क्योंकि आम अभी फल रहे हैं उसको जस्ट करने बोलने से कर जाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं है, अनाड़ी इतना नहीं है कि उनको एक प्रोसेस बताएं कि भाई कैसे काटना है, कैसे सुखाना है, उनको पता है, ये नेटिव इंटेलिजेंस और नेटिव जो बोलते हैं कि इंजेनिटी ओनली उनके पास है, खाली जस्ट एक बताना है कि आम इतना गिर रहा है उसको क्यों इस तरह अमूल नहीं बना लेते। तो ये जो है नेटिव है इसकी बात अलग है, लेकिन जो नया आपने बताया कि एक तो सैनिटरी नैपकिन का हो सकता है, या सैनिटाइजर का हो सकता है, या मास्क का हो सकता है, तो मास्क को फिर भी बहुत सारे लोग बनाने लग गए हैं, पर इसके अलावा भी मुझे लगता है और बहुत सारे ऑप्शंस निकाल के उनको एटलीस्ट सरपंच लेवल पे या जोनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे ट्रेनिंग्स करके और उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। नहीं, इसीलिए मैंने बताया था कि जैसा RCT हुआ और एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलरेडी ये छोटे छोटे मॉड्यूल का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो खाली आजकल तो ऐसे भी डिजिटल स्मार्टफोन हो गए, वो डाउनलोड कर देख सकता है क्या प्रोसेस है, सिंपल स्टेप प्रोसेस कैसे उसको एक्टिवेट करना है, और RCT जैसा होता है वहाँ पे ट्रेनिंग फ्री देते हैं, पूरा फ्री देते हैं, और ये बैंक स्पॉन्सर्ड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिइंबर्स करता है कॉस्ट, वहाँ पे जितना दाखिल हो सकता है बहुत अच्छा है, तो 10-15 दिन का कैप्सूल, 1 वीक का कैप्सूल कोर्स पढ़ ले, वो समझ आ जाएगा उसको। तो सर, ये मजदूरों के पास ये मैसेज कैसे पहुंचेगा कि यहाँ जाके इसकी मदद ली जा सकती है? नहीं, ये एक्चुअली गांव-गांव में काफी पंचायत भवन में ये नॉर्मली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो पंचायत भवन हमारा जो बोलते हैं मेन जो हब का जो बोलते हैं वहाँ पे सारे अवेलेबल है, कोई किसी को बोल दिया पंचायत भवन पूछ लो, विल बी एबल टू, काफी सारे इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। और एक है कॉमन सर्विस सेंटर, आपने सुने होंगे आजकल कॉमन सर्विस सेंटर का हुआ है,
कि जो गांव में डिजिटल सर्विस देने के लिए, वहां पे भी ये सब सुविधा काफी अवेलेबल है। उसको पता है, जो वो विलेज लेवल एंटरप्रेनर रहता है ये कराता है, हो सकता है ही मैं चार्ज फॉर 5 to 10 rupees फीस फॉर दिस, बिकॉज उसके लिए भी कॉस्ट है बोल के, वहां भी पूछेंगे तो बता देगा कॉमन सर्विस सेंटर का। तो सर आपके मिनिस्ट्री को ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और टीवी में और सोशल मीडिया पे इसका फैलाव करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आप लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आपको अपने पंचायत भवन जाके सो एंड सो को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। हमने एक्चुअली डिजिटल मीडिया किया क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो खुद ही सिटीज में नहीं आते तो रूरल एरिया में कहाँ पहुंचेंगे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि प्रिंटेड न्यूज़पेपर आते नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो डिजिटल मोड में चल रहा है ये एक्टिविटी, सरपंच को कंपनी SMS भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, सब डिजिटल मोड में सब चल रहा है, क्योंकि ऐप से भी काफी वो स्प्रेड होता है, क्योंकि अभी पेपर प्रिंट वाला कोई आता नहीं, दूसरा वो मोड है नहीं, लेटर भी जाता नहीं है, कोई बेच के फायदा नहीं होता, तो उस तरह के चल रहा है, काफी जानकारी है। लेकिन फिर भी जो आते हैं जो अर्बन एरिया सडनली, एक उसके लिए क्या होगा ना, एडजस्टमेंट एक इशू है, क्योंकि सालों सालों भर वहां पे रहता था और सडनली गांव में आएगा उसको थोड़ा लगेगा कोई मेरे आके बोले, क्योंकि एक रहता है मन में रहता है, तो जाके जो थोड़ा सा एक बोलते हैं ना बेसिकली टू टिक हिम ऑफ, वो जरूरत है। और एक जो दो तरह के लोगों के बीच में मेलजोल बढ़ाने की बात है, जैसे आपने कहा कि जो बड़े शहर में काम करता था उसकी मजदूरी भी अच्छी थी, उसका थोड़ा गांव में स्टेटस भी था, और जो गांव वाला था उसको थोड़ा सा ये था कि अरे ये तो बंबई में काम करते हैं या वहां काम करते हैं, तो वो दो टीम जो एक अलग अलग मानसिकता वाली है तो उनके साथ चलने को लेके क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो भी एक बड़ा इशू है, थोड़े दिनों बाद जब झगड़े शुरू होंगे तो वो संभालना भी एक बड़ा इशू है। नहीं नहीं, ये जो गांव में रहेंगे जो थोड़ा सा एब्सोल्युटली एब्जेक्ट प्रॉपर्टी टाइप है तो नरेगा में चलता रहेगा, क्योंकि अभी नरेगा एक्टिविटी 40,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन किया तो नरेगा एक्टिविटी चलता रहेगा वहां पे। अभी समर सीजन में मोस्टली 2-3 महीना काफी बिफोर मानसून काफी काम रहता है, जैसा कोई कैनाल का उसका डिसिल्टिंग हुआ, कोई पॉन्ड डिसिल्टिंग हुआ, नरेगा एक्टिविटी चलेगा, नरेगा एक्टिविटी 120 रुपया 30 रुपया जो भी वो लोकल मिनिमम वेज मिलता रहेगा। ये जो रूरल माइग्रेंट लेबर डिपेंडिंग ऑन देयर सोशल स्टेटस कैसे वो बिहेव करते हैं, कोई नरेगा में जा भी सकता है क्योंकि उसका बहुत डिफिकल्टी है तो जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा है उसका वेल ऑफ है, घर में खाना बना ठीक है, थोड़ा तो डिपेंड है, तो उसको ये मैंने सजेस्ट किया कि उसको कैसे एंगेज करना, मतलब फ्यूमिगेशन हुआ कि उसको हैंड सैनिटाइजर बनाना थी, ये थोड़ा प्रेस्टिजियस जॉब उसके लिए, ये इसके लिए प्रेस्टिजियस जॉब है, क्योंकि घर में अपना घर में रहेगा, अपने घर में बनाएगा, हैंड मास्क बनाया बेचा तो प्रेस्टिजियस, क्योंकि मेस्टली क्या होता नहीं, ये जो रियल आएंगे दे विल लाइक फॉर अ व्हाइट कलर जॉब, दे विल नॉट गो फॉर एग्जैक्टली ब्लू, फुल्ली ब्लू कलर जॉब, मेरा ये अनुमान है, क्योंकि वो व्हाइट कलर जॉब किस तरह का हो जाएगा तो हो जाएगा जी। तो एक और सवाल है जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, ये जो अभी क्या होता था, पहले हम हमारे आसपास मजदूर देखते तो थे लेकिन इस तरीके से हम मजदूरों से कभी जुड़े नहीं थे, अभी सभी लोग मजदूरों की समस्याओं से जुड़े हैं, सबको सहानुभूति है, बहुत संवेदनशील तरीके से आम व्यक्ति भी मजदूरों के बारे में सोच रहा है, तो आप क्या कहते हैं एक आम नागरिक को, क्योंकि वो भी हमारी ही दुनिया का हिस्सा है, हमें हमारे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए कि हम कुछ तो मजदूर के लिए कर पाए, उस मजदूर के लिए जो आज परेशान है। नहीं एक्चुअली मायने रखता है, हम भी सब लोग मजदूर हैं, ओनली डिग्निफाइड मजदूर है, डिफरेंट हायर लेवल इनकम है वही अदर मजदूर कैटेगरी में सब आते हैं, क्योंकि जो जॉब कर रहा है भले वो वर्ड का कॉनोटेशन ऐसा हो गया कि भाई जो अनस्किल्ड लेबर करता है सेमी स्किल्ड को उसको मजदूर बोलते हैं, तो हाई स्किल्ड करता है उसको ऑफिसर की और कुछ ना दर्जा नाम देते हैं, तो ये भले है लेकिन एक्चुअली के 1-to-1 बिहेवियर में बहुत फर्क आएगा, क्योंकि अभी मजदूर का खुद को पोटेंशियल खुद को पता चल गया है, क्योंकि वो इंडिस्पेंसिबल आपको खुद ही महसूस कर रहे हैं कि उनको लग गया कि हम नहीं जाएंगे तो फैक्ट्री चल नहीं पाएगी, क्योंकि फैक्ट्री मालिक भी वो बैगिंग बाउल होकर जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि कुछ दिन बाद जो फैक्ट्री ओनर्स है भी दे विल ऑल्सो गो फॉर दैट, बिकॉज मेरे को लग रहा है आप भले अभी केयर नहीं किया लेकिन दे विल गो फॉर दैट, भाई कुछ तो आ जाओ जो मन को उनको थोड़ा सा गुड बिहेवियर था कि जो थोड़ा उनका क्लोजनेस प्रॉक्सिमिटी था वो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस करेंगे, आ जाओ आपको अभी ख्याल रखेंगे, ये होती है जैसा टिपिकली बहू नाराज होकर चले जाती है, सास भी कभी कभी सोचना पड़ता है बहू को खुशामद करके ले आओ ऐसे होगी देयर मे बी 100% वापस ना जाए और 20-30% जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि 100% चले जाएंगे। सर ये जो सारे लोग गांव में इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा कोई 200 कोई 300 या 500 या ऐसे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इकट्ठा हुए हैं इनसे क्या फिर से एक वेव कोरोना की नहीं आ सकती है, क्योंकि इन्होंने लंबा सफर तय किया है,
भीड़ में ट्रेन के लिए, बस के लिए, टिकट के लिए, पासेस के लिए, सबके लिए, तो क्या ये संभावना नहीं है कि ये जहां इकट्ठे हुए हैं वहां से फिर से कोरोना फैल जाएगा या हमें फिर से परेशानियां हो सकती हैं? नहीं, ये तो अभी प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स से तो यही अनुमान होता है कि जो माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं ये कैरियर इन्फेक्शन है, लेकिन अच्छी खुशी बात है कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 49% है। तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी इम्यूनिटी, काफी डॉक्टर बोल रहे हैं हमारा जो बीसीजी वैक्सीनेशन है, ओरल पोलियो है, ये सब तो काफी इम्यूनिटी डेवलप हुआ है, क्योंकि जो वायरस का अगेंस्ट में सम एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी डेवलप अपना बॉडी में जो काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि थोड़ा इम्यूनिटी लेवल कम हुआ है, व्हाट एवर रीजंस है, न्यूमेरिकल काउंट तो बढ़ी रहा है इसीलिए, लेकिन अब रियलिटी हो गया उसको, तो यू जस्ट कांट अवॉइड कि उनको सडनली एकदम अलग से डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंज करो तो पॉसिबल नहीं, अभी नॉर्मल एरिया नहीं हो पा रही है, रूरल एरिया में कितना करें, क्योंकि क्वारंटाइन में भी है 100 लोग एक स्कूल में रह रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, अब परिवार में भी चले गए, ऐसा नहीं सबका बड़े बड़े महल टाइप घर है रूरल एरिया में, एक घर में 15-20 आदमी ज्वाइंट फैमिली टाइप रहेंगे तो, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो सोशल कैपिटल बहुत स्ट्रांग है स्पेशली रूरल एरिया में, और उसमें कहीं मैनेज हो जाएगा, मैं इतना तो नहीं हूँ कि मैनेज नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका जो अनुमान है डेफिनेटली बढ़ेगा, वो देयर नो डाउट, क्योंकि ये स्टेबलाइज होने कर्व जो बोलते हैं फ्लैटनिंग अप कर्व जो बोलते हैं उसका टाइम लगेगा। तो ये बढ़ेगा अगर, तो क्या इसके लिए कोई तैयारियां हैं हमारी शुरू से अभी? नहीं, ये तो तैयारी एक्चुअली आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, रेलवे ने 50,000 कोचेस बनाए थे कि पोर्टेबल कुछ बेड्स के लिए, तो ये ऑलरेडी तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको करेंगे, और हो सकता है हमारा इंडियन जो बॉडी का हमारा इम्यूनिटी अच्छा सक्सेस है तो हो सकता है काउंटर कर ले, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होना मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है, सीरियस मतलब जब तो पूरा लंग का डिस्ट्रेस है उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी लोगों को दे आर रिकवरिंग, अब इसीलिए तो 49% रिकवरी हो रहा है, मतलब ये वायरस को काउंटर कर ही ले रहा है खुद ही। सर, पर आने वाला समय बारिश का है और बारिश में फ्लू और ह्यूमिडिटी और बाकी चीजें ऑलरेडी होती हैं जो इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं, तो अगर बारिश के समय में ऐसी कोई वेव कहीं से शुरू हुई तो क्या हम फिर से संभाल पाएंगे, क्या हालात और खराब नहीं होंगे? नहीं, ये अपना जो अभी फ्यूमिगेशन डिसइंफेक्शन में एक फायदा होगा, डेंगू मलेरिया ये जो ब्रीडिंग सेंटर है वो मस्कीटो का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कोरोना के लिए जो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली इवन एंसिफेलाइटिस जो यूपी बिहार में होता है वो भी उसका जो वायरल डिसइंफेक्शन नॉट ओनली विल काउंटर द कोरोना वायरस, वो दूसरे वायरस को भी काम करेगा, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जो होता है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है तो करेंगे, और एक डेफिनेटली अभी कॉन्शियस हो गया है कि लोग थोड़ा साफ सुथरे रहेंगे, क्योंकि अभी 5 बार हैंड सैनिटाइज कर रहा है, कुछ रूरल एरिया में 2-3 बार नहा भी रहे होंगे, डिपेंड ऑन दी वाटर सप्लाई सिस्टम नहा भी रहे होंगे, क्योंकि काफी कॉन्शियसनेस हो गया, तो उस तरह इसका अदर डिजीज पर भी उसका कस्कडिंग इफेक्ट रहेगा कि वो ज्यादा हमारा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि नहीं होगा, पर अगर हुआ तो क्या हुआ? तो बेसिकली अभी क्या है कि वो टोटल सिस्टम ओवर लिवरेज्ड है, अर्बन एरिया मेडिकल फैसिलिटी टोटल ओवर लिवरेज्ड है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, तो बेसिकली आप जितना पब्लिक सिस्टम में डिपेंड करेंगे शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपना घर में ही अंदर को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ये हम लोग मैसेज भी दे रहे हैं काफी लोगों की भी, हर आदमी, क्योंकि अर्बन एरिया में तो हो गया, काफी जगह देखे होंगे अर्बन एरिया में काफी डिसिप्लिन हो गया, और ये अर्बन माइग्रेंट है हो सकता है उसको मैसेज भी जा रहा होगा कि हम भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि दे अब इतना डर गए हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा डरने से ज्यादा केयरफुल भी रहता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमने जितना समय मांगा था उससे ज्यादा समय आपने दिया, और आपने आज बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए जो हमें आज तक नहीं मिले थे, हम इससे जो भी कंसर्न लोग हैं वहां तक ये वीडियो और आपके सारे जवाब पहुंचाएंगे, अगर फिर कोई सवाल आया तो उसको फिर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप फिर से जवाब दें, क्योंकि आप उस विषय की मास्टरी है, आपको आप सही जवाब दे पाएंगे, और मैं सिर्फ आज की इस चर्चा को 2 लाइनों के साथ एंड करूंगी, फिर मजदूरों को समर्पित करती हूँ कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेते, तो हम इनकी नींद की दुआएं करें, अच्छी नींद की दुआएं करें, स्वस्थ नींद की दुआएं करें, और हम सब मिलकर इनके लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं वो करें। यदि कोई आखिरी बात आप देश के मजदूरों के लिए या उनकी बेहतरी के लिए हम सबसे कहना चाहते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, तो आपका स्वागत है। मैं भी आपका प्रेरित होके मैं भी छोटा सा कविता अभी तुरंत लिखा, मैं उसको बोल देता हूँ। मजदूर का थोड़ा सा जरूरत
मजदूरों का थोड़ा सा जरूरत, थोड़ा में ही खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी में खुश हो जाते हैं, उनका तारीफ करो, उनका तारीफ करो, उनको इज्जत दो, ये बहुत जरूरी है। उनका तारीफ करना और उनका इज्जत देना जरूरी है। हम लोग इतना देते नहीं है। अब भले वो प्रवासी है लेकिन वो देशवासी है, भले प्रवासी है लेकिन वो देशवासी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि वो भले प्रवासी हैं पर वो देशवासी हैं और हमारे हमारे अपने देश का हिस्सा है, हमारे अपने जीवन का हिस्सा है। एक्चुअली कहेंगे तो दे बिलोंग्स टू अस एंड वी बिलोंग्स टू देम। वो हमें शामिल है और हम उनमें शामिल हैं। और जैसे आपने कहा कि हम सब भी कहीं ना कहीं मजदूर हैं, बस अपने आप को मजदूर कहते नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आपकी बातों को आगे जरूर फैलाएंगे और जब कभी भी फिर जरूरत हुई आपसे फिर समय मांगेंगे देश की बात में। बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा एंकरिंग किया। और बाकी श्रोताओं को मेरा, क्योंकि मेरा यह है कि श्रोता वक्ता से महान होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।